Hello students, welcome to the first class of mathematics. I am Sachin Sharma, your mathematics teacher. I am going to start chapter complex number of your book. The chapter name is complex numbers. तो complex numbers को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि real numbers क्या हैं. तो अभी तक आपने 10th class तक real numbers के बारे में जाना. तो every number is a real number. It has two parts, rational numbers and irrational numbers. तो जितने भी rational numbers हैं और जितने भी irrational numbers हैं, they combine form a real numbers. तो rational numbers plus irrational number is equal to real numbers. तो बच्चे rational numbers, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी number अगर हम p by q की form में लिख सकते हैं, where p and q are integers belongs to, this is symbol for belongs to, p and q belongs to integer and q is not equal to 0. तो कोई भी number अगर p by q की form में लिख सकते हैं तो वो आपके क्या है, rational numbers. 1 को भी हम rational number बोलेंगे क्योंकि इसके denominator में हम 1 लिख सकते हैं. 2 is also a rational number because इसको भी हम p by q की form में लिख सकते हैं, इसके denominator में 1 लिख सकते हैं और दोनों p और q integers होने चाहिए. तो ये आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं. तो जो number rational number नहीं होते वो irrational number होते हैं. Basically जितने भी आप prime numbers की बात करते हो उनकी square root ले लो. इसकी value कुछ आपको याद होगी, छोटी क्लासेस में पढ़ी है, 1.414. तो जो भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. जैसे ये अंडर रूट 3 होता है 1.731, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर है. तो ये हमने बच्चों छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो हमने फटाफट आपको बता दिया कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स को आगे तीन कैटेगरीज में आपने डिवाइड किया था. एक इसके पास जीरो होता है, एक बच्चे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें आप नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हो. ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हो. और ये नेगेटिव इंटीजर्स वो कौन से होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स के साथ माइनस का अगर साइन लगा देते हो तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो बेसिकली रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. एंड रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. वी हैव जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो बच्चों ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो लिखेंगे आप सभी, तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिखो, लेट राइट डाउन द नंबर्स दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म, द नंबर्स दैट कैन बी पुट और रिटन इन द फॉर्म a plus b iota, where a and b belongs to, this is symbol for belongs to real numbers. मैंने इसको r लिख दिया real numbers को. The numbers that can be put in the form a plus b iota, where a and b belongs to real number. तो बच्चों मैंने इसको बोला है iota, इसे बोलते हैं iota, and इसकी value होती है under the root माइनस वन. तो माइनस वन का स्क्वायर रूट, जैसा कि आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम आयोटा को बोलते हैं एक इमेजिनरी क्वांटिटी. तो इसका मतलब ये वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब हम आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन नहीं ले सकते. तो माइनस वन का अंडर रूट को लिखते हैं 1/2. तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही बच्चों मैंने स्केयरिंग की तो ये ऐसा कुछ बन गया. तो आयोटा स्केयर इक्वल टू पावर्स, ये पावर है, ये भी पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी. 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो दिस रिजल्ट इज CTM, इसे बोलते हैं कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी, इसे याद रखना है। तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, क्योंकि कोई भी आयोटा की पावर आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो लाइक कोई बच्चा बोलता है कि आयोटा की फोर निकालनी है, तो आप उसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की होल पावर टू। तो क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, माइनस वन की पावर टू इज वन, तो आयोटा फोर आ गया वन। तो कहने का मतलब कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म का होता है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर ए और बी की जगह पे आ सकता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो पोस्ट नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो। तो सो एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, एंड वी कैन से आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन। तो विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन वी कैन फाइंड एवरी पावर ऑफ आयोटा, वो आप आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो आपने ध्यान रखना है कि नोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय अल्फाबेट जेड, देयरफॉर जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय अल्फाबेट जेड, देयरफॉर जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो बच्चों ए को बोलते हैं रियल पार्ट, ए को बोलते हैं रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, जेड का, और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट, जेड का। तो देयरफॉर ए को बोलते हैं रियल पार्ट, उसको इस सिंबल से लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि कोई भी नंबर जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हियर यू कैन नोट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए एंड इट इज 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज बी, हियर इट इज 3। फाइन, क्लियर है सबको, आराम से आप इसको समझेंगे। तो बच्चों नोट कर सकते हो आप, तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, तो इसको रब करना चाहिए। तो नेक्स्ट नोट है, मेक अ नोट, इन जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा इफ ए इज जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो बच्चों z किसके इक्वल बन जाएगा, 0 प्लस b आयोटा। तो z इक्वल टू b आयोटा, अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो z की वैल्यू बन जाती है b आयोटा। तो उस केस में हम z को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। इन द सेम वे If imaginary part that is b is 0, फिर बच्चों आपका z किसके इक्वल रह जाएगा, simply a के इक्वल। तो उस केस में हम z को बोलेंगे it is called purely real। For example, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं a plus iota b की फॉर्म में, a plus b iota की फॉर्म में। ए कितना है चेक करिए 2, और कंपेयर करिए बी कितना है 0। अभी हमने बताया कि अगर बी 0 है
तो जेड हमारा ए के इक्वल रह जाएगा, तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली रियल। इसी तरह से मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3i, इसको बच्चों लिख सकते हो a प्लस एटा बी की फॉर्म में, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो जिसमें a कितना है आप कंपेयर करके देखिए 0 और b कितना है 3, तो a इज 0 एंड b इज 3, इफ a इज 0 देन वी हैव z इक्वल टू b एटा, इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। आई होप क्लियर है सबको, फाइन। तो आगे हम बताते हैं, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, तो बच्चों नेक्स्ट है पावर्स ऑफ आयोटा। तो आज हमने सीखना है पावर्स ऑफ आयोटा। तो अभी हमने पीछे बताया कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो बच्चों आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 की हेल्प से हम आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आयोटा रेज टू पावर 8, तो विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों पहले आपने आयोटा स्क्वायर लिखना है, तो 2 को 8 से आपने डिवाइड करके देखना है, तो आप देखोगे 2 4 8, तो यहां पे 4 लिख दोगे क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये 8 ही बन रहा है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो दिस इज अगेन 1 - 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? Yes, it is a complex number because it is written in the form a plus b iota. In the same way, कोई बच्चा बोलता है कि अगर सर नेगेटिव पावर आ गई, तो नेगेटिव पावर के केस में आपने पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस नंबर का रेसिप्रोकल लिया तो पावर पॉजिटिव बन गई, तो iota 8 आपने निकाला है, आपका वैल्यू आई थी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/1, दैट इज 1। तो इन द सेम वे अगर हम आयोटा की 9 निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आयोटा की 9 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 8 इनटू आयोटा की पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो आयोटा 8 तो अभी हमने ऊपर निकाला है, इट इज 1, तो 1 इनटू आयोटा, इट इज आयोटा। क्यों, क्या ये a + आयोटा b की फॉर्म में है, देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं आयोटा को a प्लस बी आयोटा, तो ये आयोटा ही बनेगा। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब a आपका 0 है, b आपके पास 1 है, तो बच्चों ये आयोटा की 9 आपके पास आयोटा आ गई। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं अगर रियल पार्ट 0 हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। तो आयोटा की 9 इक्वल टू आयोटा, इट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो इन दिस वे आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हो। तो मान लो कि आपको आयोटा की पावर 231 निकालना है, लेट अस सपोज, तो आप लोग सभी ट्राई कर सकते हैं आयोटा की पावर 231। तो लेट अस फाइंड, अच्छा आप नोट कर सकते हो पॉज बटन दबा के। तो आयोटा की 231, तो कोई भी पावर निकालनी है आयोटा की, तो वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर। तो 2 को 231 से बच्चों डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 2, ठीक है 3 आया, 2 1 2 1 2, हाँ जी बच्चे ये कितना आया 0, तो आपके पास क्या बन गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपके पास बन जाएगा, ये 1 था ये 1 है, ठीक है बच्चों। तो 2 5 10, रिमाइंडर इज 1, तो 231, तो इसका क्वेश्चन कितना है 115, तो 2 × 115 कितना बन गया 230, तो बच्चे कितना बना 230, तो एक रिमाइंडर बचा। तो देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं आयोटा की 230 इंटू आयोटा की 1, तो ये आयोटा की 230 लिख दिया इंटू आयोटा की 1। तो बच्चों आपने चेक किया, तो आयोटा की 230 को ऐसे लिखा, तो ये आ गया -1 raised to power 115 इंटू आयोटा। तो -1 को आप ओड नंबर टाइम्स ओड पावर टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा, अगर इवन होती पावर तो 1 आता। तो ये आपका आंसर आ गया -1 आयोटा
इसको a प्लस ए उल्टा बी की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर वो पूछे कि आपने a और b निकालना है तो a 0 आ गया, b माइनस 1 आ गया। तो इस केस में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट इज प्योरली इमेजिनरी बिकॉज रियल पार्ट इज 0। तो कोई भी आप पावर निकाल सकते हो। एक और देख लेते हैं बच्चों, ए उल्टा की पावर -729, तो ये तो नेगेटिव पावर आ गई, तो पहले इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। तो फिर बच्चों सेम वे से यहाँ पे 2 लिखोगे और 2 को 729 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, एक बचा रिमाइंडर, तो लिख दो ए उल्टा की पावर 728 होगी, ए उल्टा की पावर 1 यहाँ पे लिख दे। तो ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस 1 है तो पावर इवन है, तो माइनस की पावर इवन 1 होता है, तो बच्चों ये 1 ओवर ए उल्टा आ गया। तो ये ए प्लस ए उल्टा की बी फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में ए उल्टा आ गया। अगर डिनोमिनेटर में ए उल्टा आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड। इसको याद रखना है, अयोटा से ही मल्टीप्लाई अयोटा से ही डिवाइड, क्योंकि ये 0 प्लस अयोटा है, तो 0 माइनस अयोटा 0 माइनस अयोटा, मतलब 0 माइनस अयोटा माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा, माइनस से माइनस कट गया, तो बच्चों आप लिख सकते हो अयोटा ओवर अयोटा। तो रैशनलाइज किया तो आप जानते हो अयोटा स्क्वायर होता है -1, ये माइनस को ऊपर लिख दो तो आपके पास अयोटा की पावर -729 इज माइनस अयोटा। फाइन, इसी तरह आप अपने लेवल पे घर पे ये पावर्स निकाल सकते हो। एक ये नंबर आप बच्चों ये वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसे समझना पढ़ना। थैंक यू।